स्टेबल है इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट। पुंछ के परेड पार्क में रात तकरीबन 8 बजे चमड़े का एक मुश्तबा बैग पड़ा हुआ देखा गया, जिस पर पार्क में मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। इस बैग के बारे में किसी ने पुलिस को इत्तला दी और सोजी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड पार्क में पहुंच गए। पुलिस ने जैसे ही बैग के हवाले से कार्रवाई शुरू की, बैग का मालिक मौके पर पहुंच गया और उसने बैग उठा लिया, जिस पर पुलिस ने बैग की जांच पड़ताल की तो उसमें किताबें बरामद हुई। बैग को लावारिस छोड़ने पर पुलिस इसको साथ लेकर गई और पूछताछ करती हुई दिखाई दी। ये तो हमारे लड़के ने कहीं पिछले एक आध घंटे से इसको वॉच किया, इसका कोई मालिक नहीं आ रहा था, तो फिर हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे अनक्लेम्ड एक बैग पड़ा हुआ है। तो हमारी टीम मौके पर पहुंच गई और इसी असना में हमने BDS स्क्वाड को भी कॉल किया कि वो भी आ जाए, इसको टेक्निकली उस हिसाब से हम देखेंगे। तब तक इसका क्लेम करने वाला एक लड़का पहुँच गया, जो उसके बाकौल इसका नाम है अपना इमरान है, ये पछाड़ सलोत्री का रहने वाला है। वो कहता मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी आ गई, मैं पार्क के उस कॉर्नर पे चला गया उल्टी करने के लिए, तो वहाँ बेहोश हो गया मैं। अब मैं जाऊँगा तो आकर बैग का क्लेम करने लगा। जिला पुलवामा के चीवा खुर्द इलाके में सफीना बीबी नामी खानाबदोश खातून की नाला रोमशी में डूबने से मौत हो गई। इस दिलदोज हादसे पर मकामी लोगों ने नाले में चल रहे गैर कानूनी माइनिंग को जिम्मेदार ठहराया है। सामा जम्मू की रहने वाली खानाबदोश खातून अपने पूरे कुंबे के साथ रह रही थी, बर्तन धोने की गरज से नाले के पास गई थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो डूब गई। मकामी लोगों की मदद से लाश को नाले से बाहर निकाला गया। 3 लड़की थी, ये 2 वापस आ गई, ये अपने बर्तन धो रही थी वहाँ, पता नहीं वहाँ से क्या हुआ, पैर स्लिप हुआ तो नाले में गिर गई नीचे। तो यहाँ से फिर हमको फोन आया, तब से हम पहुंचे वहाँ से लाश निकाली हमने नीचे से, निकालने तक तब से हम 20-25 आदमी था, इसको वहाँ से हॉस्पिटल में ले गए पुलवामा में। वहाँ देखी तो चेक किया तो वहाँ खत्म। डोजर वाले काम कर रहे हैं या LNT काम कर रहे हैं, ये उसको खुरदरा रखते हैं और ये गहराई भी ज्यादा रखते हैं, फिर इसे नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो उसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, और चिकनाहट की वजह से जो कोई भी बच्चा आता है यहाँ, मतलब या औरत आती है या मतलब कोई भी काम करने के लिए आता है या मतलब नहाने के लिए आते हैं छोटे बच्चे, इनको स्लिप हो जाती है और ये इसमें पानी में गिर जाते हैं और बह जाते हैं। बेहद अगर क्या हुआ ना अशा किसान बड़ मुश्किल इन शरारत का सर, तो क्या इशू बना ये डोजर ही कथा 10-15 डोजर से बनता नहीं, तो वह बन बन बना मेहरबानी कर इस पुल की हालत, जो इसके नीचे जो हालत है इल्लीगल माइनिंग से जो इसकी हालत हो गई है वो आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं, इसकी हालत क्या हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो महकमा माइनिंग डिपार्टमेंट पुलवामा है वो इस गैर कानूनी काम को रोकने में बिल्कुल नाकाम यहाँ पर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे हादसात पेश आ रहे हैं और जो सरकारी जो तामीरात है उनको नुकसान हो रहा है और जो इरिगेशन कनाल्स है वो भी डिफंग हो रही है। बिलाल खान, News 18, चीवा खोरद, पुलवामा। तो पहली खबर में कई और खबरें हैं जिन्हें आपसे रूबरू कराना है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।